मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि चुनाव को शांति और सद्भाव के साथ संपन्न करें, समरस ग्राम पंचायत बनाएं। समरस से मतलब चुनाव ना हो, सर्वसम्मति से पंचायत चुनी जाए। उन्होंने मीडिया से चर्चा कर बयान देते हुए कहा कि मंदिर में पूजा कर और माँ से प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश प्रगति विकास करे, सब पर कृपा बनी रहे, जनता के कल्याण हो। सभी से अपील है कि समरस ग्राम पंचायत बनाएं। समरस से मतलब चुनाव ना हो, सर्वसम्मति से पंचायत चुनी जाए। ऐसी समरस पंचायत जो बनेगी उनमें विकास के कार्य और जो जन कल्याणकारी योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू करने का हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वो भोपाल के आंगनवाड़ी को सशक्त बनाने के लिए मंगलवार से हाथेला लेकर खिलौनों और बच्चों के लिए उपयोगी अन्य सामग्री को एकत्रित करने नागरिकों के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ियों को स्वेच्छा से दान कर बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना है। इसके साथ ही आंगनवाड़ियों के लिए किसानों से यथाशक्ति अनाज और समाज के अन्य वर्गों से उपयोगी सामग्री देने का भी आह्वान किया। उन्होंने मेधावी बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए समाज का आह्वान किया। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे काम करो, सन्मार्ग पर चलो और कर्मठता के साथ अपना जीवन केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए भी जियो। मेरी ओर से, तुम्हारी माँ की ओर से, कुणाल की ओर से और ये हजारों हजार हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों की ओर से तुम्हें शुभकामनाएं और कार्तिक को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए भारत माता की। आज तो मुख्य कार्यक्रम माँ की कृपा से ही माँ के मंदिर के प्रांगण का विस्तार का काम राज्य शासन ने शुरू किया है। तो माँ की पूजन भी की, उनसे प्रार्थना की, सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें, मध्य प्रदेश प्रगति और विकास करें, लगातार आगे बढ़े और क्रांतिकारी जनता का कल्याण हो। इस अवसर पर विशाल जन समूह इकट्ठा था तो दो तीन चीज़ें मैंने जरूर कही है। एक, सभी प्रदेशवासियों से भी मैं अपील करता हूँ कि हम चुनाव को शांतिपूर्वक और सद्भाव के साथ संपन्न करें, समरस ग्राम पंचायत बनाए। समरस का मतलब जिन ग्राम पंचायतों में चुनाव ना हो, सर्वसम्मति से ऐसी समृद्ध जो पंचायत बनेगी उनमें विकास के काम हो या जन कल्याण की योजनाएँ हो, उनको बेहतर से बेहतर ढंग से और लागू करने का काम हम करेंगे। एक तो समृद्ध पंचायत बनाए, इसकी अपील। दूसरे, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही जो हमारे हैं, अभी पूरे प्रदेश में 7.5 लाख मकान स्वीकृत होकर हमने स्वीकृति पत्र हाथ में दिए हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इकट्ठा सीमेंट लोहा जैसी चीज़ें खरीद के उनकी लागत कम हो ताकि गरीबों के मकान अच्छे बन सके। दूसरे, हमने ये भी, मेरी अपील है कि हमारे अपने कुछ बच्चे हैं जो अंडरमेट हैं, ये बच्चे भारत का, देश का भविष्य हैं। बच्चे स्वस्थ हों, बच्चे शिक्षित हों, बच्चे संस्कारित हों, ये आवश्यक है। सरकार तो आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगी और स्वस्थ भी रहें इसका प्रयास करती है, लेकिन अकेली सरकार की जवाबदारी नहीं है। हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे शहर के बच्चे हैं, तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें।